दुआ है खुदावंद मुतआल सरकार वलीउल आसर की इज्जत व गैबत के सदका से हमारी सही हमारी कोशिश और काविश को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जनाब सैयद इंतसार हुसैन शाह साहब इनके खानवादा दोस्त अहबाब की कोशिश और मालिक के सरकार साहिब जमान की बारगाह में ये सजदाए जिक्र की सआदत मालिक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। मौला इस तमाम कोशिश का शुमार बतौर नुसरत दर्ज फरमाए। मरहूमीन खानवादा और सामईन और नाजरीन के मरहूमीन के दर्जात में इजाफा फरमाए। हमें हकीकी मानों में मारफत हुज्जत से रोशनास फरमाए। सिलसिला गुफ्तगु सरकार वलीउल असर की हुज्जत की मारिफत इख्तियारात अलामात ज़ुहूर इस पे चल रहा है और आज इस मौजू की आखिरी मजलिस आपकी समातों को हदिया की जाएगी और इंशाअल्लाह कल से इख्तियारात मासूमीन और विलायत मासूमीन के उन्वान से आपके सामने गुजारिशात होंगी। खुदावंद मुताल ये चाहता है कि इंसानियत को हदायत पहुंचाए तो खुदा इस हदायत को पहुंचाने के लिए जिन्हें जमीन पे इंसान की हदायत के लिए भेजता है उन्हें हादी बना के भेजता है। बेशक वो आके हादी नहीं बनते वो बन के आते। बेशक उन्हें चुना नहीं जाता इंसान उन्हें नहीं चुनता बल्कि अल्लाह उन्हें हादी बना के भेजते हैं। बेशक क्योंकि खुदा खालिक हदायत है खुदा खालिक इंसान है खुदा खालिक फितरत है खुदा बेहतर तरीके से जानता है कि इंसान को कैसी हदायत चाहिए इंसान का मजाज कैसा है वो कितनी हदायत बर्दाश्त करेगा किस कदर वो जिंदगी में हादी का अमल दखल बर्दाश्त करेगा। तो फितरत के खालिक ने और इंसान के खालिक ने इंसानी फितरत को मद्देनजर रखते हुए उसकी हदायत का बंदोबस्त किया। खुदावंद मुताल बेहतर तरीके से ये जानता था कि इंसान मुसलसल अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता तो उसने इबादत के लिए खास औकात मुकर्रर किए उसने इबादत के लिए खास वक्त मुकर्रर किए। तो जो अल्लाह खालिक इंसान और खालिक फितरत है वही खुदा इंसान की हदायत के लिए जब हुज्जत को भेजता है तो वो खुदा हुज्जत को इंसानियत के मियार पे नहीं परखता वो खुदा अपनी कुदरत के मियार पे परखता। क्या बात क्या बात। जो हादी जमीन पे आता है जो हुज्जत बन के आती है उस हुज्जत के लिए इंसानों का मजाज नहीं देखना उसमें तौहीद का मजाज होता है। बेशक आज में बहुत सी लड़ाइयां और बहुत से झगड़े और बहुत से सवाल इसी सोच की बुनियाद पर किए जाते हैं कि अगर ऐसा था तो इमाम ने ऐसा क्यों नहीं किया इमाम ऐसा कर सकते थे तो उन्होंने फिर ऐसा क्यों किया। ये सारे सवालात वो करता है जो इमाम को अपने जैसा समझता है जो हादी को अपने जैसा समझता है। हजरत अमीर अल मोमिनीन ने तलवार क्यों ना उठाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग क्यों ना की ये सारे सवालात वो करता है जो इमाम को अपने जैसा समझता है। तो अगर आप इमाम को तौहीद के मजाज के मुताबिक समझेंगे तो कभी भी इंसान ये सवाल नहीं करता कि अल्लाह ने इबलीस को सजा क्यों नहीं दी। कभी भी इंसान ये सवाल नहीं करता कि खुदा ने फिरौन को मौत क्यों नहीं दी। कभी भी इंसान ये सवाल नहीं करता कि अल्लाह में अगर ताकत थी तो उसने नमरूद पे अजाब क्यों नहीं भेजा। ये सवालात अल्लाह पे नहीं किए जाते। जब हम पूछते हैं कि आपने खुदा पे ये सवाल क्यों नहीं किया तो वो कहते हैं कि खुदा अपने इरादों से खूब वाकिफ है वो बेहतर समझता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो यही इख्तियारात हुज्जत के पास है हुज्जत भी वाकिफ है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। और अगर खुदा अपनी ताकत के होते हुए अपने मुनकरों और अपने दुश्मनों को मोहलत दे दे तो उसकी रबूबियत में कोई फर्क नहीं आता। और अगर इमाम अपने ना मानने वाले मुनकरों को मोहलत दे दे तो इमाम के इख्तियारात में भी कोई फर्क नहीं आता। बहुत खूब नारा।
अब हुज्जत की, हुज्जत को जब खुदा जमीन पे उतारता है तो क्या इख्तियारात दे के भेजता है कि अल्लाह उसे इंसानियत की हदायत के लिए भेजता है, तो हुज्जत की इनकार असल में अल्लाह का इनकार। बेशक जिसने हुज्जत का इनकार कर दिया उसने तौहीद का इनकार कर दिया। बेशक और यह कानून है कि खुदा अपने मुनकरों के लिए गुंजाइश दे देता है लेकिन अपनी हुज्जत के मुनकरों के लिए गुंजाइश नहीं देता। क्या बात है। खुदा ने नूह के बेटे को मोहलत नहीं दी, किस वजह से? कि उसने इख्तियारात हुज्जत का इनकार किया। वो ये कह के बागी हो गया था कि बाबा उसने जो इनकार किया था वो इनकार ये नहीं किया था कि तेरा खुदा नहीं है, उसने इनकार ये कह के किया था जो कुरान की आयतों में है कि इस पहाड़ की बुलंदी मुझे इस पानी से बचा लेगी। उसके जहन में ये था कि अल्लाह के नबी की कश्ती जो है वो अजाब से ना बच सकेगी। उसने इख्तियारात हुज्जत का इनकार किया और खुदा ने अजाब भेज दिया। खुदा इख्तियारात हुज्जत के इनकार को बर्दाश्त नहीं करता। आज के दौर में जो हुज्जत है, आज के दौर में जो खुदा की नुमाइंदगी कर रही है जमाने में, वो सरकार वलीउल असर की जात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमाम का जहूर कब होगा? इमाम का जहूर कोई भी इमाम के जहूर के वक्त दिन तारीख से वाकिफ नहीं और ना ही ऐसा कहा जा सकता है। वो खुदा जिसने जहूर का वक्त मुकर्रर किया है वही खुदा कुरान में बार बार कहता है क्यामत करीब है, क्यामत करीब है, क्यामत करीब है। ये लफ्ज कब से कहा जा रहा है, ये बात कब से दोहराई जा रही है? जब अगर आप देखें तो हजारों साल से यही बात दोहराई जा रही है कि क्यामत करीब है, क्यामत करीब है, क्यामत करीब है। तो मैं सवाल यहाँ पे बहुत खूबसूरत अंदाज में उसका जवाब दूंगा कि जिसका करीब इतना दूर है कि जो बार बार कह रहा है कि क्यामत करीब है, क्यामत करीब है, क्यामत करीब है, और कोई शख्स क्यामत के औकात और क्यामत का वक्त मुकर्रर नहीं कर सकता, तो यहाँ पर अब एक जुमला बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे अदा किया जा सकता है कि खुदा कह रहा है क्यामत करीब है और इतनी दूर होने के बावजूद अभी तक ये पता ना चल सका कि क्यामत कितनी दूर है। तो जिस खुदा ने कहा था कि ए अहले बैत मोहम्मद मैंने हर रिज़्क़ को तुमसे दूर रखा हुआ है, तो जिसका करीब इतना दूर है उसका दूर कितना दूर होगा? क्या बात है, क्या बात है। जियो जियो नारे हैदरी। जिसने क्यामत के करीब के लिए कह रखा है कि क्यामत करीब है, तो जिसका करीब इतना दूर है उसका दूर कितना दूर होगा? सरकार वलीउल असर जमाने में तशरीफ लाएंगे इमाम का जहूर, तो जहूर से पहले अलामात जहूर का जिक्र जो है वो अहदीस में जरूर हुआ है। अक्सर ये सवाल, ये बात अक्सर नौजवान पूछते हैं, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि इमाम जमाना के सिपाहियों की जो तादाद है वो 313 है, तो 313 सिपाहियों की तादाद जो है वो 313 इमाम का लश्कर नहीं, वो 313 जो है वो मौला के कमांडर हैं, वो लोग हैं जो इमाम की नुसरत के लिए लोगों को तैयार करें। इसका कतर मकसद ये नहीं है कि सिर्फ 313 ही के साथ जो है वो इमाम खरूज करेंगे। 313 इमाम के लश्कर के सिपाहियों की तादाद नहीं, 313 जो है वो मेरे मौला के उन नौकरों की तादाद है जो अपने अपने लश्कर और अपने अपने दस्तों की सरबराही करेंगे। सरकारे वलीउल असर के अलामाते जहूर के बारे में एक शख्स ने इमाम सादिक से पूछा था कि मौला हर फर्द को जिसका इंतजार है वह आपको वो कायम कब आएगा? तो मौला सरकारे इमाम जाफर सादिक अल्लाहुम्मा मौला ने फरमाया कि हर फर्द को, सिर्फ मुसलमान को नहीं, हर फर्द को हमारे कायम का इंतजार है। अहले हनूद कहते हैं कि करिश्मा आएगा, हिंदू कहते हैं अवतार आएगा, ईसाई कहते हैं मसीह आएगा, मुसलमान कहते हैं कि महदी माऊद आएगा। कोई मजहब ऐसा नहीं है, कोई नजरिया ऐसा नहीं है कि जिसकी हाँ इंतजार ना हो। हर कोई इंतजार में है कि कोई आने वाला है, कोई निजात दहिंदा है जिसने इंसानियत को निजात दिलवानी।
मौला से किसी साहबी ने साहिबु जमान की गैबत की वजह पूछी तो मेरे मौला ने फरमाया, देखो जो हुज्जत खुदा होती है गैबत के असबाब पे गुफ्तगू करते हुए मेरे मौला ने कहा कि हर हुज्जत के कोई ना कोई जाती असरार होते हैं जिससे वो सिर्फ खुद वाकफ होता है। और मौला ने फरमाया हमारे मांदी के अफाल खिजर के फेल की तरह है, जैसे जनाब मूसा रसूल भी थे, नबी भी थे, हुज्जत भी थे, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद वो खिजर के इसरार से वाकिफ नहीं थे। मौला ने फरमाया गैबत जितनी तोलानी हो रही है ये खुद कायम बताएंगे कि गैबत के तोलानी होने की वजह क्या है। हर दौर में हर मासूम ने यह फरमाया कि वक्त मुकर्रर करने वाला झूठा है, जिसने भी इमाम की आमद का वक्त मुकर्रर किया वो काज़िब है। ये वो रात है जो 313 मौला के साथ आने वालों को भी नहीं बताया गया, बस अल्लाह ने इतना बताया है कि ज़ालिक यौमुल खुरूज, वो खुरूज का दिन है जब पुकारे जाने वाला पुकारेगा दूर से, लेकिन सुनने वाले समझ जाएंगे कि हमें करीब से बुलाया गया। जब हमारा इमाम निदा देगा, जब इमाम की आवाज आएगी, तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैंने इमाम की आवाज को दूर से सुना, जबकि ये सब मानते हैं कि जब इमाम की आवाज आएगी तो इमाम की जो सदा आएगी वो इमाम की सदा हमें मक्का से बैतुल्ला से आएगी। लेकिन सुनने वाला शर्क में हो, सुनने वाला गर्ब में हो, शमाल में हो, जनूब में हो, वैसे इमाम की आवाज सुनेगा जैसे मैं बिल्कुल करीब से सुन रहा हूं। जब इमाम आएंगे तो इमाम का तसरुफ, इमाम का इख्तियारात ऐसे हो जाएगा, साइंस की तमाम तरक्कियां मुंजमद हो जाएंगी, हर चीज वहीं पर रुक जाएगी। जो इंसान जहां है वहीं पे खामोशी हो जाए। कैसे खामोशी होगी? कुरान कहता है कि जब जनाब नूह ने अपनी कश्ती पे बैठने के लिए आवाज दी तो जिस शेर ने हिरन को शिकार के लिए अपना पंजा उसके ऊपर गाढ़ा हुआ था वो पंजा वहीं से उठ गया और हिरन भी कश्ती की तरफ दौड़ा और शेर भी कश्ती की तरफ दौड़ा। क्या बात, जनाब नूह ने जब बुलाया था तो शेर का पंजा अगर हिरन के ऊपर था तो उसने वहीं से अपने हाथ को वापस किया और हुज्जत की पुकार पे दौड़ा। क्या बात, हर जिन्स नूह के बुलाने पे चली गई, वो नूह बुलाएगा और हर जिन्स जाएगी, ये नूह का मौला बुलाएगा। क्या बात है, नारे हैदरी अली है। हर तरफ से मौला की अजान की आवाज आ रही होगी और हर कोई सुनने वाला ये समझेगा कि शायद मेरे घर के बाहर कोई अजान दे रहा है। क्या बात है, और फरिश्ता आसमान पे निदा देगा, ऐ दुनिया वालों खुशियां मनाओ, जुल्मत की रात झट गई, जमीन को अदल से भरने वाला आ गया। सूरह बकरा की आयत में अल्लाह ने एक वादा कर रखा है, अमीर कायनात फरमाते कुरान में एक ऐसी आयत है जिसमें कायम के साथियों का जिक्र है, जब अल्लाह ने कहा कि तुम चाहे जहां कहीं भी रहते हो तुम सबको एक जगह पे जमा किया जाएगा, वो जिनको जमा किया जाएगा वो सरकारे कायम के पहले सहाबी होंगे, वो पहला लश्कर होगा जो 313 की तादाद में होगा और इमाम जमाना की सदा पे लबैक कहता हुआ इमाम की तरफ पलट आएगा, ये पहले 313 साहब। सुभानअल्लाह, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने गली मोहल्लों में खड़े होंगे और इमाम की आवाज पे दौड़ना शुरू करेंगे, और इमाम से जब पूछा गया था कि मौला जब आपका कायम पुकारेगा तो लोगों के आने की हालत क्या होगी, तो इमाम ने फरमाया है कि तुम्हारा कान, तुम्हारे कान मेरे कायम की अजान का मुंतजिर होना चाहिए, तुम्हारे जहन में ये होना चाहिए कि कोई आने वाला है, किसी की सदा आने वाली है, जब तुम अपने जहनों में इस बात को रखोगे तुम्हारे कान बैतुल्ला की तरफ होंगे, जो ही इमाम कहेगा तो मौला फरमाते हैं कि हमारे चाहने वाले अपने घरों की छतों की तरफ दौड़ेंगे, उनका पहला कदम उनके घर में होगा, दूसरा फजा में होगा और तीसरा माले के कायम के कदमों में चला जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, नारे हैदरी अली हक। और इमाम फरमाते हैं कि सिर्फ यही नहीं कि कुछ लोग इमाम के आवाज पे जाएंगे और कुछ लोगों को लेने के लिए खुद इमाम जाएंगे और जाके कहेंगे कि उठ तेरा इमाम तेरे इंतजार में। वो कौन से लोग होंगे जिन्होंने जिंदगी गुजारी इमाम जमाना के इंतजार में और जिंदगी गुजरी और इमाम का दौर ना पाया, लेकिन जब इमाम आएंगे तो इमाम, इसलिए मेरे कायम बादशाह ने फरमाया था कि जिंदगी में मेरा जहूर कसरत से मांगा करो, अगर मेरे आने से पहले चले भी गए
तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं, बल्कि मैं खुद तुम्हें लेने के लिए तुम्हारी कब्रों पे आऊंगा। सरकार कायम, सरकार वलीउल असर जब निदा देंगे, तो निदा देने के बाद जब लोग इमाम की तरफ दौड़ेंगे, बैतुल्लाह में, खाना काबा में मेरे बादशाह की आमद हो चुकी होगी, सरकार वलीउल असर नमाज पढ़ाने के लिए खड़े होंगे, या सिर्फ एक इमाम जमाई नहीं, मरियम का बेटा भी आ जाएगा। जब वक्त नमाज होगा, सरकारी वली असर कहेंगे, तकदम यबना मरियम, मरियम का बेटा नमाज पढ़ा। ईसा थर थर काम के कहेंगे, मेरी जरूरत क्या है, मैं फातिमा के बेटे को नमाज पढ़ाऊं। तकदम यबना मरियम, मरियम का बेटा नमाज नहीं, फातिमा का बेटा तू नमाज पढ़ा। मेरे सरकारी वली असर मुसल्ले पे आएंगे, ईसा जैसा नबी जो मुर्दों को जिंदा करता था, जो कोहड़ी को शिफा देता था, जो अपने दौर का कलमतुल्ला था, जो अपने दौर की अल्लाह की निशानी थी, जिसे रूह अल्लाह कहा जाता है, वो सरकार वली असर के कदमों पे अपना सर रख के जमाने को कहेगा कि अब गवाही दो, जिसका आखिरी बेटा ईसा जैसे नबी के पीछे नहीं पड़ता, उसका बाप किसी उम्मती के पीछे कैसे पड़ता था। क्या बात है, क्या बात है, नारे हैदरी, या अली, या अली, या बहुत खूब। सरकारे वली असर जमाने तशरीफ लाएंगे, सरकारे कायम के पीछे हजरत ईसा नमाज पढ़े, और जब अकामत दे दी जाएगी और नमाज पढ़ने वालों की एक कसीर तादाद मौला के पीछे आके खड़ी हो जाएगी, तो उस वक्त मौला कहेंगे कि इन पीछे खड़े होने वालों की सफों में सरकार जाएंगे और अपने नौकरों से कहेंगे, फलां को सबसे निकाल, फलां को सबसे निकाल, फलां को सबसे निकाल। मौला ये तो आपकी सदा पे लबैक कहते हुए आए हैं, फरमाइए वो लोग हैं जो मेरा इंतजार भी करते थे और हमारे इख्तियारात पे शक भी करते थे। सरकारे वली असर जमाने में तशरीफ ले आएंगे, लेकिन जमाने में आने से पहले जमाने की हालत क्या होगी? जनाबे अबू जर गफारी ने पूछा था मौला अमीर अल मोमिनीन से कि मौला बताइए कि आखिर कायम कब आएगा और हम पहचानेंगे कैसे? फरमाया, या जुमदुब, याद रखो जब दुनिया गुनाहों से भर जाएगी, जब गुनाहों के तस्करे फखर पे बयान होंगे, औरतें शोहर की इजाजत के बगैर दहलीज अबूर करने लगेंगी, मिम्बरे रसूल पे बंदरों को उछलते और कूदते देखोगे, झूठ शौक के तौर पे बोला जाएगा, उल्मा उमरा के कदमों पे चले जाएंगे। जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी, उस वक्त सफियानी और दज्जाल की आमद को मतवक्के रखना, शर्क व गर्ब, शमाल व जनूब, जमीन को खून से भर दिया जाएगा, यहां तक कि सरजमीन हिंद में बहने वाला दरियाए सिंध पानी की जगह खून बहेगा, खसो खशा की जगह लाशें बहेगी। उस वक्त एक तेरा और तारीख बादल आसमान की वसत पे छाएगा, अगर वो बादल पर्दा जुल्मात के करीब से भी गुजर जाएगा तो जुल्मात से भी अलमान 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 की आवाजें आएंगी, लेकिन ऐसे सलेमान जुन्दब घबराना नहीं, उस वक्त इस बादल से एक बिजली चमकेगी, एक बादल कटेगा, बिजली की चमक से एक शख्स बादल से उतरता हुआ नजर आएगा, देखते रहना, ये आने वाला मेरे बेटे का नकीब होगा जिसका नाम ईसा होगा, वो काबा की छत पे उतरेगा, उसके बाद तुम देखोगे करा नामी बस्ती के दरमियान में पहाड़ियों के दामन में एक अबा अपने बदन पे डाले हुए, खजूरों की शाख को अपने हाथों पे लिए हुए, चंद भेड़ों को हांकता हुआ एक शख्स काबतुल्लाह की तरफ बढ़ेगा। ऐ सुलेमान जुंदब, अगर उस सब्ज अमामा वाले को देखो तो फौरन उसके कदमों में गिर जाना, वही मेरा कायम होगा। क्या बात है, नारे जो ही वो खाना काबा के करीब पहुंचेंगे, छड़ी टेक देंगे, दीवारे काबा के करीब आएंगे, दो उंगलियां काबा की जंजीर में डालेंगे, बगैर किसी जीने के काबा की छत पे चढ़ जाएंगे और अजान देंगे, अल्लाह अकबर की पहली आवाज आएगी, आवाज हर जगह फैल जाएगी, कायनात के गोशे गोशे से खींच के लोग जैसे मकनातीस आता है विलायत के कदमों में पहुंचेंगे। जब खुलाक जमा हो जाएंगे, जब तमाम मखलूकात जमा हो जाएंगी, तो उस वक्त सुलेमान बिन दाऊद का मिंबर लग जाएगा, हाथ में अंगुष्ठरीय सुलेमान होगी, मली का असा होगा, अली की तलवार होगी, साब नामी बादल घुटने टेकने के लिए आ जाएगा, जाहो जलाल तजम्मल से वकार काबा से उतरने के बाद
वकारे काबा से जब मुसलसल उतरेंगे बिला तस्बीह दाएं देखेंगे बाएं देखेंगे तो सहाबा पूछेंगे कि मौला क्यों देख रहे हो, फरमाते हैं मेरे दिल में आज से इंतकाम है, चाहता हूं ये जितनी जल्दी हो सके ये इंतकाम की आग पूरी हो जाए। मौला वो किस चीज का इंतकाम है, फरमाया मैं इंतकाम की आग में तड़प रहा हूं और यूं ही कब्जा तलवार पे हाथ रखते हुए न्याम से तलवार को बाहर खींचेंगे और खींच के कहेंगे या सारत अल हुसैन मुझे खून हुसैन का इंतकाम लेना। क्या बात इमाम के जहूर की अलामात जो कसरत के साथ किताबों में नकल हुई उनमें से ये है, एक छांट लगेगा जो इमाम के आने से पहले जो लोग दावा शियत करते हैं, जो लोग अली के मुहिब होने का दावा करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा छांट लगेगा इन पहचानने के लिए कि इनमें से असल मुहिब कौन है और मुहिब होने का दावा करने वाला कौन। क्या बात तो याम अजा में एक बात जरूर कहूंगा, जब कूफा में जनाब मुस्लिम बिन अकील गए थे तो कूफा की कसरत जो थी, कूफा की कसीर तादाद, वो इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा करते थे, लेकिन सिर्फ खोखला दावा था, अमलन नहीं था। हुसैन इब्न अली ने अपने एक सफीर को भेजा, अभी हुज्जत नहीं गई, हुज्जत का नुमाइंदा गया, और हुज्जत के नुमाइंदे नहीं दावा करने वाले और मोहब्बत करने वालों का फर्क समझा दिया। कूफा में सरकारे मुस्लिम बिन अकील की जो शहादत है, मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, इस शहादत के पीछे कूफा वालों की मार्फत हुज्जत की कमी थी। उसकी एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, मलाउन इब्ने ज़ियाद जब कूफा में दाखिल होता तो कूफा के लोगों को नहीं पता ये इब्ने ज़ियाद है। कूफा के लोग ये समझ चुके थे कि इमाम हुसैन कूफा आ रहे हैं। जो ही इब्ने ज़ियाद पहुंचता है कूफा में तो तारीख कहती है कि दिन था ये, लेकिन ये रात के होने का इंतजार करता है। जो ही रात होती है तो ये अपने बदन पे हाशमी लिबास पहनता है, जो हाशमी अपने बदन पे पहनते थे। ये हाशमी लिबास को ज़ेब तन करता हुआ एक अरब घोड़े पे सवार होकर कूफा की गली में दाखिल होता है। जब कूफा की गलियों में दाखिल होता है तो इसके गमाश्ते पहले जाके कूफा में ऐलान कर देते कि रसूल का बेटा आ गया, हुसैन इब्ने अली आ गए। लोग छतों पे चढ़ जाते, हुसैन आ गए, हुसैन आ गए, हुसैन आ गए, हुसैन आ गए। इब्ने ज़ियाद की सवारी को चूमा जा रहा है, इब्ने ज़ियाद के हाथों को चूमा जा रहा है और हुसैन 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 की आवाजें आ रही है। अब मैं यहां लफ्ज कहने लगा हूं जिसके लिए मैंने ये पूरा वाकया पढ़ा था। कूफा में हुज्जत मारिफ इमाम की कमी थी, मारिफत हुज्जत की कमी थी। अब मैं यहां लफ्ज कहने लगा हूं, अगर मारिफत हुज्जत की कमी हो तो लोग इब्ने ज़ियाद को भी हुसैन समझ लेते। दुश्मनाने वाले बैत पर लानत, बेशुमार। मैं फिर लफ्ज तब्दील करके पढ़ता हूँ, बेशुमार। लफ्ज को यूं तब्दील करके पढ़ते हैं कि अगर इमाम की मारिफत ना हो तो लोग झूठों को भी इमाम समझ लेते। इब्ने बजारा वल्लाह, मारिफत हुज्जत की कमी की वजह से लोगों ने यह समझ लिया कि शायद ये हुसैन इब्ने अली। अब जिनके यहां मारिफत की कमी थी वो इब्ने ज़ियाद को हुसैन समझ रहे थे, लेकिन जिनके पास मारिफत थी उन्होंने एक लम्हा भी इस्तकबाल के लिए नहीं निकले। जब उनसे पूछा गया कि तुम इस्तकबाल के लिए क्यों नहीं गए, यहया बिन असद से पूछा गया तुम इस्तकबाल के लिए क्यों नहीं गए, हुसैन इब्ने अली आ गए, उसने कहा ये हुसैन नहीं है। कैसे पहचाना, उसने कहा पहली शर्त इस वजह से पहचाना, हुसैन होते तो कभी रात की तारीकी में कूफा में ना आते। क्या बात, ये फातह मक्का का नवासा है जो मक्का के बाहर ये सोच के इंतजार करते हैं कि अभी मक्का के लोग सो रहे हैं, तो जब रसूल ने मक्का रात के वक्त दाखिल नहीं हुए तो हुसैन इब्ने अली रात को क्यों दाखिल हो। क्या बात एक दूसरे शख्स से पूछा कि तुम इस्तकबाल के लिए क्यों नहीं गए, क्या ये हुसैन नहीं, उसने कहा मैं यकीन से कह सकता हूं ये हुसैन। क्यों हुसैन नहीं, वो कहता अगर हुसैन होते तो अकेले ना होते, सात अब्बास होते। अगर हुसैन होते तो चेहरे पे यूं नकाब ना होता। जिनके पास मारिफत थी उन्होंने छोटी छोटी निशानियों से देख लिया कि ये हुसैन इब्ने अली नहीं। यही वजह है
हुज्जत की मार्फत इसलिए जरूरी है कि जब इमाम के आने से पहले कुछ लोग झूठे इमामत के दावे करें तो उस वक्त हमें यह सोच लेना चाहिए कि कोई हुज्जत की मार्फत रखने वाला उस झूठे इमाम के फ्रेम में नहीं आ सकता, क्योंकि हमें पता है कि अगर इमाम जमा होंगे तो अकेले नहीं होंगे, ईसा पीछे आ रहा होगा। क्या बात है लव नारा हैदरी बिलाली। अब यहां सूरह मुबारक का जुमर में खुदा अर्शाद फरमाता है वाशरकतुल अर्ज़ बिनूर रब्बिहा वज़िल किताब, एक दिन जमीन अपने रब के नूर से मुनव्वर हो जाएगी। वकज़ा बैनहुम बिलहक वहुम ला युज़लमून, और किताब रख दी जाएगी और उस दिन नबियों को भी बुलाया जाएगा और शहदा को भी बुलाया जाएगा, बेशक, और इन दो ग्रोहों के दरमियान हक का फैसला होगा। गुफ्तगू अपने हतमी मरहले में दाखिल होने लगी है कि इस आयत की तफसीर में मुफस्सरीन ने आमा ने लिखा कि ये आयत क्यामत के मैदान के लिए क्यामत की दलील है। यहां मैं सवाल करता हूं कि अगर ये क्यामत के लिए आयत होती तो सिर्फ दो ग्रोहों को क्यों बुलाया जा रहा है? अगर ये आयत क्यामत के लिए होती तो क्यामत में तो हर नबी ने उठना है, हर नबी की उम्मत ने उठना है, तो खुदा इस कुरान की इस आयत में ये कहता कि हम क्यामत वाले दिन सब ग्रोहों को बुलाएंगे। यहां खुदा सब ग्रोहों की बात नहीं कर रहा, फरमा रहा है दो ग्रोहों को बुलाया जाएगा, एक नबियों को और एक शहदा। इन दोनों ग्रोहों के दरमियान हक का फैसला होगा। पहली बात तो ये, जो दिन बताया जा रहा है आमतुन नास, उसे क्यामत का दिन नहीं समझ, क्योंकि क्यामत वो दिन है कि आदम से लेकर शब माशर तक पूरी मखलूक जिस दिन मैदान क्यामत में हाजिर होगी वो रोजे क्यामत होगा। क्या मुशरिक, क्या काफर, क्या यहूदी, क्या ईसाई, क्या मोमन, क्या मुनाफिक, सब के सब जमा हो जाएंगे। लेकिन ये आयत बता रही है कुछ दिन सिर्फ दो ग्रोह आएंगे, नबियों का ग्रोह आएगा, शहदा का ग्रोह आएगा, और तो उनके दरमियान हक का फैसला होगा। तो मालूम हुआ कि उस दिन आने वाली तादाद सिर्फ दो ग्रोहों की होगी। फिर दूसरी बात, जमीन उस दिन अपने रब के नूर से मुनव्वर हो जाएगी। अगर यहां रब से मुराद रब अकबर है तो जिस अल्लाह का नूर क्यामत के दिन जाहर हो सकता है, तो उलमाए ज़माना बताएं कि क्यामत से पहले इस नूर को किस शय ने छुपाया है, क्योंकि फिर अल्लाह ने के अलावा अलूहियत की हकदार वो शय है जो नूर किरदगार पर हावी होकर उसे छुपाए हुए। कोई भी तफसीर उठा के देखो तो यही आपको मिलेगा, रब्बुल इमाम, रब्बुल अर्ज, इमामुल अर्ज, जमीन का इमाम असल में वक्त का इमाम होता है, बेशक बेशक, और जमीन का इमाम ही जमीन का रब होता है। ये उस दिन होगा जब कायम जहूर फरमाएंगे और इमाम की तजल्ली की शर्क से लेके गर्ब, शमाल से लेके जनूब तक पूरी जमीन को बुकाए नूर बना देगी। और ये जो खुदा कहता है ना रब के नूर से जमीन मुनव्वर की जाएगी, ये रब का नूर असल में मेरे वक्त के इमाम का नूर। क्या बात है, क्या बात है, नारा हैदरी याली अली हक, बहुत यही रब का नूर है जियो लव जियो, जिसकी वजह से जमीन मुनव्वर कर दी जाएगी, जो लोग सूरज और चांद की रोशनी से बेनियाज हो जाएंगे। दिन को इमाम का नूर सूरज की रोशनी का काम देगा और रात को उसी इमाम का नूर चांद की रोशनी का काम देगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब यहां मैं बात समझाने चाहता हूं, जब इमाम जहूर फरमा देंगे तो इमाम के नूर के आगे सूरज क्या? कभी आपने किसी ऐसे अहमक को भी देखा है कि जो सूरज भी आया हो और वो चिराग लेके फिर रहा हो? क्या कभी किसी को सूरज के सामने चिराग जलाते हुए देखा है? अगर सूरज के सामने चिराग नहीं जलाया जा सकता तो इमाम के नूर के सामने सूरज की रोशनी की क्या हसीयत? बेशक बेशक, जैसे सूरज के सामने चिराग मद्हम हो जाता है, इमाम के नूर के सामने सूरज की रोशनी मद्हम हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, नारे हैदरी याली। जमीन का रब जिसे कहा गया है वो असल में मेरे आका और मेरे मौला। क्या बात, बहुत लोग कहते हैं जी आपने देखे, आपने रब कह दिया, तो अल्लाह ने तो कुरान में माँ बाप को भी रब कहा, रब अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मेरे रब इन पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में रब बन के इन्होंने मुझे पाला था।
तो अगर मां रब हो सकती है तो इमाम रब क्यों नहीं हो सकती। रब कहते हैं पालने वाले को रब का नूर जिससे जमीन मुनव्वर कर दी जाए, यानी कि मेरे इमाम की मौजूदगी में ना सूरज निकलेगा ना चांद तलू हो जाएगा। सूरज या चांद दोनों अपने तलू और गुरूब के प्रोग्राम में अगर एक लम्हे के करोड़वें हिस्से में भी ताखीर कर दे तो निजामे कायनात तबाह हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर 4:01 पे सूरज का तुलू होना है या 7:05 पे सूरज का तुलू होना तो 1 सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी देर हो जाए तो शिद्दत नूर की वजह से जिसका तसव्वुर भी दिमागे बशरियत नहीं कर सकती सूरज के टुकड़े बिखर जाए। और चूंकि सबसे बड़ा सियारा बिखर जाएगा तो उसके जेर असर चलने वाले तमाम सियारे आपस में टूट के पाश पाश हो जाएंगे। ये है 1 सेकंड की तखीर का नतीजा। अगली बात आपको बताऊं, खुदा कहता है रब्बुल मशरकैन व रब्बुल मगरबैन, मैं मशरकों का भी रब हूं और मगरबों का भी रब हूं। मौला अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया था मशरक एक नहीं, मशरक भी कई मगरब भी कई, सूरज भी एक नहीं। अब यहां मुझे लफ्ज कहने की इजाजत देना, जो सूरज अली ने पलटाया था वो एक मशरक से नहीं पलटाया था, हर मशरक से पलटा दिया। क्या बात है जियो नारे हैदरी या अली अली हक। लोग समझते हैं कि शायद छोटा सा मौजजा था, अमीर अल मोमिनीन ने सूरज पलटा दिया था, सिर्फ एक मशरक से नहीं हर मशरक से सूरज पलट गया था, क्योंकि अली ने यह नहीं कहा था कि इस मशरक के सूरज पलट जा, अली ने सूरज को पलटाया तो हर मशरक का सूरज पलट गया। और खुदा कुरान में कहता है ये सूरज और चांद अल्लाह की तकदीर है, ये सूरज और चांद अल्लाह की तकदीर लेके आते हैं। जब सूरज की पहली लौ फूटती है, जब सूरज की पहली किरण आती है तो कई ऐसी रूहें हैं जो दुनिया में आती हैं, कई ऐसी रूहें हैं जिन्हें वापस बुलाया जाता है, कुछ जिंदा हो रहे होते हैं, किसी को मौत आ रही होती है, किसी को बीमारी मिल रही होती है, किसी को शिफा मिल रही होती है। इन सब का ताल्लुक होता है सूरज की किरणों के साथ, क्योंकि जब तकदीर लिखी जाती है तो तकदीर में क्या लिखा जाता है, इसको सूरज की किरण के साथ रोशनी मिलेगी। जब सूरज की पहली पोप फूटेगी इसका मतलब वो दिन शुरू होगा, जब वो दिन शुरू होगा तो वो लम्हों में जाएगा, जब वो लम्हों में जाएगा तब वो दकीकों में जाएगा, जब वो दकीकों में जाएगा तो तब उसकी तकदीर लिखी जाती है कि इस लम्हे से रिस्क मिलेगा, इस लम्हे से मौत मिलेगी, इस लम्हे से जिंदगी मिलेगी। इसका मतलब है कि लम्हों का ताल्लुक है दिन के साथ, दिन का ताल्लुक है सूरज के साथ। जब अली ने सूरज को रोका तो सिर्फ सूरज नहीं रुका, जिसने पैदा होना था वो पैदा नहीं हो रहा, जिसने मरना था वो मर नहीं रहा, जिसे रिस्क मिलना था उसे रिस्क नहीं मिल रहा, जिसे मौत आनी थी उसे मौत नहीं आ रही। अली ने सिर्फ सूरज को नहीं रोका, अली ने कायनात की नब्जों पे हाथ रख दिया। क्या बात है जियो नारे। तो अमीर अल मोमिनीन ने सूरज को पलटाया था, बिलाल ने रोक दिया था। क्या बात जो काम अली के नौकर कर लें कि अली का नौकर कायनात के निजाम को रोक दे, वो अली खुद क्या कर सकता हो। क्या बात आयत कहती है कि अंबिया भी आएंगे, शोहदा भी आएंगे, कज़ा बैन हम बिल हक, और इनके दरमियान हक का फैसला होगा। ये जो आयत है ये निशानदही कर रही है रजअत की, हशर से पहले भी एक हशर जिसका इशारा सूरह कहफ की इस आयत में है, जिसमें खुदावंदे मुताल इरशाद फरमाते हैं वस्तमा यौम यनादुल मुनादि मिन मकानिल करीम। खुदा कहता है कि वो दिन आएगा जब जमीन को लोगों के सामने सूरत से फट जाएगी। एक छोटा हशर, एक बड़ा हशर। छोटे हशर का नाम रज्जत है, जिसमें अंबिया और शुहदा आएंगे किस चीज के लिए, फैसले करवाने के लिए, और फैसला हक का होगा, और वो फैसला तख्त में बैठ के मेरे वारिस इमाम जमा करें। अब अल्लाह कह रहा है तमाम अंबिया के दरमियान फैसला होगा, इब्राहिम अपना मुकदमा दायर करेंगे, नमरूद ने क्या जुल्म किया। तो मैं सवाल करने का हक रखता हूं, जब इब्राहिम मुकदमा करेंगे तो अगर नमरूद होगा ही नहीं तो फिर सजा कैसी। इसका मतलब सिर्फ अल्लाह की हुज्जतें नहीं आएंगी, दुश्मनों को भी उठाया जाएगा। अब रज्जत को एक जुमले में बंद कर दूं, एक जुमले में रज्जत को बंद कर दूं,
अंबिया को इंसाफ देना और उनके दुश्मनों को सजा देना, इसे रजत कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, नारे हैदरी रिसालत इमाम ने खुम्मे गदीर में जो खुतबा पढ़ा था उसमें रज्जत की तरफ खुल्लम खुल्ला इशारा रसूल ने किया था, तफसीरे कुम्मी में। गवाही दो, क्या मैंने नहीं पहुंचाया? सबने कहा या रसूल अल्लाह पहुंचाया। फरमाया अब रायत खत्म, जो हकीकत है उसकी तरफ मैंने सफर शुरू कर दिया। रिसालत इमाम ने फरमाया कि क्या तुम बताओ कि मैं नबी तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब हूं? आप जानों से ज्यादा करीब। रसूल ने फरमाया सुनो, इल्ला ला तरजउ बादी कुफारा। रजत पढ़ने लगा। रिसालत इमाम ने खुम्मे कदीर पे अली की विलायत का ऐलान करने के बाद कहा, देखो मैंने तुम तक अली की विलायत पहुंचा दी है, खबरदार मेरे जाने के बाद पिछले दीन की तरफ पलट ना जाना। आहा, क्या बात, बहुत गुड। मैं रज्जत पढ़ने लगा। रिसालत इमाम ने फरमाया खबरदार मेरे जाने के बाद अपने पिछले दीन की तरफ पलट ना जाना, अगर तुम भी अपने दीन की तरफ पलटोगे तो याद रखना रजअत में मेरे हाथ में मेरी तलवार होगी ओहो, क्या बात, क्या और बात है मैं तुम्हारी जियो, गर्दनें उड़ा दूंगा। वाह, सुभान अल्लाह। अभी रसूल ने कहा था तो बाद में एक सहाबी ने इमाम से पूछा था कि रसूल तो तलवार उठाता ही नहीं है। फरमाया जो मोहम्मद बन के तलवार उठाएगा वो हमारा कायम। क्या बात है, क्या बात है, नारे सरकारे वली उल आसर हैं जो कायम मोहम्मद बन के बदला लेंगे, अली बन के बदला लेंगे, हसन बन के बदला लेंगे। रजत मजहब शिया के मुसल्लमात में से। बेशक। मेरे मौला मीरे मुमकिनात ने एक जगह पे खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया था कि दुनिया वालों याद रखो, मैं एक बार नहीं बार बार दुनिया में आता हूं। क्या बात, मेरे लिए तकरार के बाद तकरार है, मेरे लिए रज्जत के बाद रज्जत है, रज्जत भी एक नहीं, रज्जत के बाद रज्जत, रज्जत के बाद रज्जत, रज्जत के बाद रज्जत। अली फरमाते कई रज्जते हैं, अना साहिबुर रज्जात, मैं कई रज्जतों का मालिक हूं, मैं अजीब अजीब मुल्कों का फरमा रवा हूं जिनके बारे में तुम तसव्वुर ही नहीं कर सकते। और अली फरमाते हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं, हम 14 के 14 बार बार पलटाए जाते हैं। क्या सिर्फ मैं ही नहीं, हम बार बार बात आते हैं, हम बार बार आते हैं, हम बार बार आते हैं, हमारी अतात हर एक पे वाजिब। सिर्फ ये नहीं कि ये दुनिया समेट ली जाएगी और फिर उसके बाद आले मोहम्मद की शाही खत्म हो जाएगी, हम पलटेंगे, फिर नई मखलूक हमें फिर पलटाया जाएगा, फिर एक नई मखलूक और नया आदम, नया आलिम, और फिर हम 18,000 आलमीन, 18,000 आदम, वाह, लेकिन आले मोहम्मद एक ही है। क्या बात है, बेशक, आलमीन बदलते हैं, आदम बदलते हैं, आले मोहम्मद नहीं बदलते। जहूर, जहूर के बाद रजत, कायम जमाने में जाहिर होंगे और जाहिर होने के बाद जब रजत का दौर आएगा, अंबिया को पलटाया जाएगा, शहदा को पलटाया जाएगा, उनके दुश्मनों को उठाया जाएगा, और आदम से लेके 11वें इमाम शहनशाह सरकारे हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक तमाम हुज्जतों का जो बदला लेगा उस हुज्जत के दुश्मन से, वो रजत का दौर, बेशक, और हक को उसकी तरफ पलटा दिया जाए, आहा, कहीं जाना और उसके बाद पलटना, इसे रजत कहते हैं। हर चीज अपने असल की तरफ पलट के वापस आएगी, हर चीज अपने मरकज की तरफ वापस पलटेगी, आहा, और जो पलटाएगा उसे कायम कहते हैं। बेशक, बेशक, जो दुनिया की इब्तिदा कर रहा है वो खुदा है, आहा जो जमाने को आखिर से पलटा रहा है वो मेरा मौला आखिरी साहिब जमान। क्या बात है, नारायण हैदरी, अली अली, क्या मेरा बात, मौला और मेरा आका हमें सरकार का वो वक्त नसीब फरमाए कि हम दौरे रजत में भी मौला के
नौकर बन के मौला के अदादार बन के उठ सके। अयाम अजा की रातें बड़ी तेजी के साथ गुजर रही हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने एक सफीर को कूफा भेजा, नाम मुस्लिम बिन अकील। जब मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंच, कूफा के लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैयत से फिर जाते, मारफत इमाम न होने की वजह से मुहिब होने का दावा करते थे लेकिन नुसरत के लिए तैयार ना थे। जनाब मुस्लिम बिन अकील को कूफा की गलियों में तन तनहा एक वक्त गुजारना पड़ता था। जनाब मुस्लिम बिन अकील हानि बिन उरवा के घर मेहमान बनते। हानि बिन उरवा कहता है कि इब्ने ज़ियाद मुझसे मिलने के लिए आएगा, आप पर्दे के पीछे छुप जाइएगा, मैं जब अपने सर से अमामा उतारूं तो आप इब्ने ज़ियाद के सर पे वार कर दीजिए। इब्ने ज़ियाद नशिस्त मुकम्मल होने के बाद जब उठ के चला जाता है तो हानि जनाब मुस्लिम से सवाल करता है कि आपने सर क्यों नहीं काटा। जनाब मुस्लिम कहते हैं छुप के वार करना हम हाशमियों का शेवा नहीं। और वैसे भी वो आपके घर मेहमान था, किसी को घर बुला के यूं मारना हम हाशमियों का शेवा नहीं। जिसने अपने अजली तरीन दुश्मन को घर आए नहीं मारा था उसे क्या पता था कि अली की बेटियों को शाम में बुला के मारा जाएगा। दावे मुस्लिम नकील कूफा की गलियों में तन तनहा थे। एक मोमना के घर में जनाब मुस्लिम ने पनाह ली। जो ही फौज के ताजा तम दस्ते मुस्लिम की गिरफ्तारी के लिए आए तो जनाब मुस्लिम तलवार लेके जब घर से बाहर जाने लगे तो तौआ नामी उस खातून ने कहा, ऐ फरजंदे अकील आप बाहर न जाइएगा। जब मुस्लिम दे के कहते हैं कि मैं गवारा नहीं करता मेरी मौजूदगी में तेरे घर में फौज आ जाए। ये है हाशमी गैरत, जो अपनी एक कनीज के घर में भी फौज का आना बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह जाने सैयदुल साजदीन ने शाम गरीबा खयाम हुसैनी में फौजी अशकिया का आना कैसे बर्दाश्त किया। जब मुस्लिम बिन अकील तलवार को निकालते हैं, तलवार को बेनियाम करते हैं, एक ऐसा जोरदार हमला किया जाता है कि कूफा के दरो दीवार कांप जाते हैं। कूफा वालों को दोबारा लड़ता हुआ अली नजर आता है। खैबर और खंदक की याद ताजा हो जाती है। फौज कूफा के सदर दरवाजे पे जाके लगती है। जनाब मुस्लिम बिन अकील कूफा की गलियों में तन तनहा 100 के लश्करों के साथ मुकाबला कर रहे हैं। आखिर खबर दरबार में पहुंचाई जाती है कि ताजा तम दस्ता भेजो। वो कहता एक मुस्लिम के लिए इतने सिपाही, तो उसे खबर दी जाती है ये कूफे का आम बनी या नहीं, ये अकील का बेटा मुस्लिम है। तो उसने कहा फिर तुम्हें किसने कहा है कि हाशमी तलवार से मारे जाते हैं, हाशमी धोखे से मारे जाते हैं। कूफा की एक गली में एक गड़ा खोदा जाता है। जनाब मुस्लिम के ऊपर आगे से जोरदार हमला किया जाता है। जनाब मुस्लिम पिछले कदम दफा में जाते हुए जूं ही गड़े में गिरते हैं, को तीर मारता है, को तलवार मारता है, को नेजा मारता है। जख्मी मुस्लिम को गढ़े से निकाला जाता है। जनाब जनाब मुस्लिम को दारुल अमारा लेके जाते हैं तो सामने मलाउन इब्ने ज़ियाद है। वो कहता है अकील का बेटा मुस्लिम मुझे सलाम कर, अमीरुल मोमिनीन कह के। जनाब मुस्लिम का तरीक साल जुमला, माली अमीर सिवाय हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन के। जनाब मुस्लिम ये जुमला कहते हैं, करीम करबला मंजिल से आवाज दे के कहते हैं, मुस्लिम आपने दुश्मन के दरबार में मुझे अमीर कहा है, क्यामत तक दुनिया आपको अमीर मुस्लिम कहेगी। जब मुस्लिम को कैद कर लिया जाता है, हाथों में रस्सियां पांव में रस्सियां पहना के दारुल अमारा की छत पे ले जाया जाता है। दारुल अमारा की छत पे ले जाके जो ही जनाब मुस्लिम के सर को काटने का वक्त आता है तो यह नागहा रस्ते में मंजिल पे इमाम हुसैन सरकारी अबुल फजल अब्बास को देखते हैं। अबुल फजल अब्बास कहते हैं मौला मुझे आपके चेहरे की रंगत बता रही है, हमारा को नुकसान हो रहा है। जनाब मुस्लिम बिन अकील की खबर के बारे में जब पूछते हैं तो सरकारी इमाम हुसैन जनाब अबुल फजल अब्बास से कहते हैं हमारी दो उंगलियों के दरम्यान देखिए। जनाब अबुल फजल अब्बास कहते हैं मौला कोई दारुल अमारा की छत है, कोई गरीब मुसाफर है जिसका अबू कटा हुआ है, जिसका होंठ कटा हुआ है, मौला जल्लाद की नंगी तलवार उसके सर पे है। मौला फरमाते हैं अब्बास पहचानिए ये मुस्लिम बिन अकील है, मुस्लिम का नाम आना था। सखी अब्बास अपनी तलवार को न्याम से खींचते हैं, रुके
के कहते हैं मौला मुझे इजाजत दीजिए। फरमाया क्यों कहे जाना चाहते हैं? फरमाया कूफा में जाके लड़ूंगा, मुस्लिम को बचाऊंगा। फरमाया अगर मुस्लिम को बचाना होता न कभी अली की बेटियां लेके मदीना से न चलता। अब्बास हमने जंग नहीं करनी। अब्बास रो के कहते मेरी तलवार रख लीजिए, मुझे जंग करने की इजाजत ना दीजिए, लेकिन एक बार मुझे भेजिए मैं मुस्लिम का लाशा उठाऊं, मैं मुस्लिम का जनाजा दफनाऊं। फरमाया आप जरा जमीन पे देखिए। अब्बास रो के कहते मौला उंगलियां हटा लीजिए, आपकी माँ फातिमा जहरा कूफा में दारुल अमारा की छत के नीचे बैठ के अपने दामन को फैला के कह रही है आ मेरा करबला का पहला शहीद, आ मेरे हुसैन का सफीर बेटा, आ मेरा मुस्लिम इब्ने अकील बेटा। अल्लाह मेरा मालिक हमारी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, इन आंसुओं को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, इसका बेहतर से बेहतर अजर अता फरमाए, परेशानियां तमाम मोमिनीन की खत्म फरमाए, अल्लाह तौफीकात दे मोमिनीन में इजाफा फरमाए। रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल आमीन या रब्बुल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।